राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हम काशी से आए हैं। हाँ। और हम अपने धंधा पानी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। किसको? जैसे हम अपना तेल वाला धंधा करते हैं, तेल फेरते हैं सरसों से, और मशीन चलती है उसी को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं गुरु जी। किससे परेशान रहते हो? ये हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। क्या करती है, मारती है? नहीं सर, नहीं गुरु जी, मेरा धंधा ही हमेशा बांधे रहती है। धंधा? हाँ बांधे रहती है। हाँ काय से रस्सी से बांध देती है? पता नहीं गुरु जी, कोई चलता ही नहीं है बिल्कुल। अरे तो ये गलत फहमी का है बनाए बैठी हो। अब धंधा तुम्हारा नहीं चल रहा तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें बुखार चढ़ गई तो जेठानी ने बांध दिया, तुम्हें सर्दी हो गई तो जेठानी ने कर दिया, सबके लिए जेठानी ही दोषी है। अब बताइए हम क्या करें? अरे और अच्छा चलाओ, जो कमी है उसे ठीक करो गुरु जी। हम धंधा अच्छे से चलेगा उसके लिए प्लानिंग करो गुरु जी। हम आपसे 2021 से जुड़े हुए हैं। हाँ और आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती पहले है। पहले ये बताओ, हर बात में जेठानी को काहे दोष देती हो गुरु जी? वो शुरू से हमें परेशान करती है ना। अरे परेशान करना अलग विषय है, क्या परेशान, कैसे परेशान करती है? गुरु जी वही है, वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। क्या कराती रहती है? ओझाई। ये क्या होता है ओझाई? ए भूत प्रेत का चक्कर हमेशा हो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? पता नहीं गुरु जी। भूत प्रेत को, हाँ फलाने भूत आओ लग जाओ देवरानी को, ऐसा कोई फोन नंबर लिया क्या उसने भूतों का? गुरु जी चलिए जब बताइए आप कोई रास्ता कोई उपाय तो बताइए गुरु जी। सुनो जेठानी से बोलना मेरी भी एक बात करा दे भूत से, तो भूत भूत ही बताएगा फिर रास्ता आपको। वो तो आपको मानती ही नहीं है गुरु जी। हाँ वो आपको बिल्कुल नहीं मानती। भूतों को मानती है? हाँ। तो उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? अब पता नहीं गुरु जी। आपको कभी मिले भूत ऊत? नहीं गुरु जी हमें तो नहीं मिले। तो उसको भी नहीं मिले होंगे फिर गुरु जी। हाँ आपका एक बात हमें बहुत अच्छा लगा। क्या? ये वही जो हर रोज हर एक इंसान के घर से 5 रुपया तो निकलना चाहिए। बिल्कुल वही हम किए हैं गुरु जी, अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है दीजिएगा, और जेठानी और देवरानी और जमाने को दोष ना लगाइए, अपना काम बेहतर कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए। कोई भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान के भरोसे है। और ये सब भूत प्रेत के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, ये कोई भूत प्रेत नहीं है गुरु जी। आपके बताए हर रास्ते पर तो हम सुनो, चलते हैं। भूत किसे कहते हैं? सुनो मैं भूत की परिभाषा बताऊं? हाँ गुरु जी। देखो होता क्या है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं बहुत गुस्से में हैं, तो लोग क्या, इसे तो गुस्से का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे बहुत कामी आदमी है उसे क्या कहते हैं, ये तो काम का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे भूत क्या होता है, जरूरत से ज्यादा आप किसी बात को लेकर किसी कार्य को लेकर परेशान हो, जैसे कुछ नहीं लोग कहते हैं, माता बच्चे को बोलती है इसे तो क्रिकेट का भूत चढ़ा है, इसे तो खेलने का भूत चढ़ा है, इसे तो उचकने का भूत चढ़ा है, किसी को कोई कहते इसे तो पढ़ने का भूत चढ़ा, दिन भर पढ़ता है। तो ये भूत यही है मेरी माँ, ये कहा जाता है कि भूत चढ़ा मतलब कोई भूत कोई हवा नहीं है, भूत का मतलब है जुनून। हर चीज का एक जुनून होता है, जज्बा होता है, कभी गुस्से में आदमी डूब जाता है, क्रोध का भूत चढ़ जाता है। मीन्स ये भूत है, क्रोध ही एक अपने आप में भूत है, लोभ ही एक अपने आप में भूत है, ये भूत है। ये कोई भूत प्रेत जो भटकती आत्माओं के साया के बारे में आप लोग समझते हैं, ये कुछ हद तक गलत समझते हैं लोग। गुरु जी क्या करें, हम हमारे जो है बहुत चिंता में पड़े रहते हैं हमेशा। चिंतन करो तो चिंता मिटेगी, अब चिंतन करते नहीं हो तो चिंता घेरी है। समझा दीजिए गुरु जी जरा। इधर चलो समझाओ भैया, कहाँ आवा इधर। लीजिए गुरु जी। ये कौन है आपके? हमारे पति हैं गुरु जी। पति? राधे राधे गुरु जी। कैसे हैं राधे राधे? ठीक है गुरु जी। क्या करते हैं आप? मैं तेल पेरता हूँ गुरु जी। हाँ? सरसों का तेल पेरता हूँ। सरसों का तेल? हाँ सर। तो सरसों का तेल तो बढ़िया बिकता है, और ये हाँ? कह रही है दुकान बंद गई। वो बगल वाले शंका धरा रहे हैं। हाँ? बगल वाले शंका धरा रहे हैं। आप अपना काम ठीक चला रहे हैं? ठीक चल रहा है काम? ठीक चल रहा है महाराज। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। तो पत्नी तो कह रही है दिक्कत है। ग्राहक नहीं आते बिल्कुल, उसी का दिक्कत हो रहा है। ये तो कह रहे हैं तेल बिकता है और आप कह रहे हो ग्राहक नहीं आते। चलो आएंगे चिंता ना करो।
गुरुजी हम इसे आपके अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है, अभी दे दीजिएगा, अभी दे दीजिएगा।